हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पीआईबी एनालिसिस करते हैं 15 जुलाई का, और हमारा जो पहला टेस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो 3 अगस्त को है। अगर आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज या फिर हमारा पेन ड्राइव कोर्स कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो फिर हमारी वेबसाइट studyiq.com पर जाके खरीद सकते हैं। चलिए पहचानिए कौन है ये। आपने इन्हें काफ़ी देखा होगा, खासकर अगर आप राज्यसभा टीवी देखते हैं जरूर देखा होगा। बताइए कमेंट्स में लिख के कौन है। जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसको मैं कॉन्ग्रेट्स बोलूंगा। और प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की, उज्ज्वल योजना के 2.5 करोड़ लोग बेनिफिशियरी हो चुके हैं, यानी 2.5 करोड़ लोगों ने एलपीजी का जो सिलेंडर है, गरीब लोगों ने, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन्होंने एलपीजी गैस का सिलेंडर ले लिया है। 2.5 करोड़ बेनिफिशियरी हैं इसके, सब्सक्राइबर हैं। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। और जो 2.5 करोड़वा कनेक्शन था वो रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में दिया गया। 2.5 करोड़वा जो सिलेंडर था, सब्सक्राइबर था, वो यहाँ से था, रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। तो अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा एलपीजी गैस के जो कनेक्शन है उज्ज्वल स्कीम के तहत वो कौन से राज्य में हुए, तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ में से 55 लाख कनेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए, और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल के अंदर हुए। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है इसका टारगेट ये है कि 5 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल फैमिलीज को गैस का सिलेंडर देना है 2019 तक, ठीक है, और टोटल 10 करोड़ नए एलपीजी गैस के सिलेंडर देने हैं 2019 तक। 10 करोड़ में सब आ गए लेकिन 5 करोड़ सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे वाले, ये टारगेट है इनका। दूसरी बात, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल की स्कीम हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मंत्रालय चला रहा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली ये हैं कि अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017 या फिस्कल, लास्ट फिस्कल, उसमें हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने 3.25 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं पूरे कंट्री के अंदर। इसमें काफ़ी बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का, क्योंकि ये 3.25 करोड़ में से काफ़ी सारे कनेक्शन ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार वालों ने लिए हैं। और दूसरी बात, इनका ये सबसे ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन है आज तक के भारत के इतिहास में जो एक साल के अंदर दिए गए हैं। अगर मैं करंट फिस्कल की बात करूँ जो अभी चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 2017 से जो अभी तक का टाइम चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी एक्टिव ये स्कीम हो रही है, और अभी तक टोटल जो भारत में एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर हैं वो हैं 20 करोड़ 70 लाख, यानी टोटल 20 करोड़ 70 लाख लोगों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन है। और जो ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में वो हुई है 33% से भी ज़्यादा, 1/3 से भी ज़्यादा एलपीजी गैस की जो डिमांड है उसके अंदर। इसीलिए जो एलपीजी गैस बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम वगैरह, ये काफ़ी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ा रही हैं। और आपको पता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारी सबसे प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल तीनों मिलकर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगा रही हैं रत्नागिरी के अंदर। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये 2 लाख रुपए की लगेगी, 2 लाख करोड़ रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ज़्यादा है। इसमें 50% हिस्सा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, 25% होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का। तो अगर कोई पूछे सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ लग रही है, महाराष्ट्र में लग रही है, रत्नागिरी में। चलिए आज का अब आते हैं मुख्य चीज पे, कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? और मैं कॉपरेटिव्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉपरेटिव्स पे एक अच्छी खासी डिटेल दूंगा आज आपको, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉपरेटिव्स क्या होते हैं। देखिए कॉपरेटिव्स नाम, ये आप एक शब्द अंग्रेजी में आपने सुना होगा, कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब क्या होता है? जब दो लोग आपस में कॉपरेट करते हैं, दो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब आपस में दोनों के बीच में एक सिनर्जी होती है, एक समन्वय होता है, उसे बोलते हैं कॉपरेशन। तो कॉपरेशन से वर्ड बना कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारे लोग मिलके एक म्यूचुअल बेनिफिट या म्यूचुअल पर्पज के लिए लगाते हैं, क्लियर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, अमूल। अमूल क्या है? अमूल का कोई भी मेंबर बन सकता है। अगर आपके पास भी भैंस है, आप उसका दूध ले जाके अमूल में बेच दीजिए, तो ये भी एक तरह का कॉपरेटिव है, कोई भी मेंबर बन सकता है अमूल का। इसी तरह से इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉपरेटिव, केरला कॉपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव, इफको। इफको को इसी साल 50 साल पूरे हो गए हैं, और धूमधाम से इनकी 50वीं जो सालगिरह कह सकता हूं वो मनाई गई। तो इनके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि कॉपरेटिव्स और नॉर्मल कंपनी में क्या फर्क होता है, यानी अमूल और नॉर्मल कंपनी में क्या फर्क है। पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है यानी कि NCDC, उसने 2014 से लेकर 2017 तक 28,771 करोड़ रुपये का
हेल्प करा है, लोन दिया है कोऑपरेटिव्स को, रिलीज करा है इतना पैसा किसने, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। और उससे पहले के जो 3 साल थे यानी कांग्रेस सरकार के जो आखिरी 3 साल थे उसमें सिर्फ 15,143 करोड़, यानी कि पैसा लगभग डबल हो गया है हमने जो कॉपरेटिव्स की हेल्प के लिए करा है। भारत की जो कॉपरेटिव मूवमेंट है ये दुनिया की सबसे बड़ी में से एक है। दूसरी बात, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर के लिए वो हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। और जो कॉपरेटिव सोसाइटी हैं उनसे फ़ायदा क्या होता है, कॉपरेटिव सोसाइटी जो हैं ये फार्मर्स को सारा जो खेती में इनपुट होता है वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे खाद है, बीज है, लोन देना है, ये सब है। भारत के जो कॉपरेटिव हैं वो अब ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि और बहुत सारे उसमें आ गए हैं, जैसे डेयरी, अमूल मैंने बताया, जैसे बैंकिंग में, शुगर में, कॉपरेटिव बैंक्स आपने जरूर सुने होंगे, फर्टिलाइजर, मार्केटिंग, हैंडलूम, फिशरीज, कंस्ट्रक्शन, इन सब में भी वो अपने पैर जमा चुके हैं। एकदम लेटेस्ट डेटा बताता हूँ, ये खुद मंत्री ने अपने मुंह से कहा है, 7 लाख कॉपरेटिव्स हैं आज की तारीख में भारत में, ये विलेज लेवल से लेकर नेशनल लेवल पे हैं। और कॉपरेटिव मेंबरशिप भारत की 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कॉपरेटिव से जुड़े हुए हैं, और 97% गांव हैं इनमें, और 71% रूरल हाउस होल्ड यानी जो हमारे ग्रामीण घर हैं वो हैं। आज 16.9 लगभग 17% एग्रीकल्चर कॉपरेशन, लगभग 30% फर्टिलाइजर का उत्पादन, जो फर्टिलाइजर बनती हैं, 40% जो हमारी चीनियां बनती हैं, शुगर बनती है, 54% वीवर कॉपरेटिव, ये सारे आज इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए आज का ऐसे कॉपरेटिव्स क्या होते हैं और डिस्कस करो कॉपरेटिव्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और भारत के कुछ सक्सेसफुल कॉपरेटिव्स उनका जिक्र करो, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही वो बताओ, और फेलियर भी बताओ अगर कोई कॉपरेटिव्स फेल होते हैं तो किस कारण से होते हैं। ये है आपका ऐसे आज का। कॉपरेटिव क्या होता है ये मैं आपको एक बड़े लेमन टर्म में समझाता हूं। देखिए दो कंपनियां हैं, एक है कंपनी, इसका नाम है एक्स वाई जेड, ये कंपनी का नाम है, ठीक है, और ये भी एक कंपनी है, इसका नाम है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस कंपनी में 5 ओनर हैं, इनके पास ये इनका ये एक नॉर्मल कंपनी है जैसी कोई भी कंपनी होती है, और ये एक कॉपरेटिव कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के भी यही 5 ओनर हैं ABCDE, इस कंपनी के भी यही 5 ओनर हैं ABCDE। इस वाली कंपनी में ए के पास 50% हिस्सा है, बी का 20%, सी का 10%, डी का भी और ई का भी सबके 10-10% है, यानी ए सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, 50% कंपनी इसी की है। नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, अगर कोई डिसीजन लेना है उस पर अगर वोटिंग होगी, जिसने 51% बोल दिया वो तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी में सबसे ताकतवर कौन है डिसीजन मेकिंग में, ए। तो यानी कि एक नॉर्मल कंपनी के अंदर एक शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, तो 50% वोट इस कंपनी में सिर्फ एक बंदे के हाथ में है, ये यानी 1 शेयर, एक शेयर जो है वो 1 वोट के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 50% है यानी 1% का 1 वोट हो गया, तो 50% जो ताकत है वोट डालने की वो सिर्फ एक बंदे के हाथ में है। अब बात करते हैं कॉपरेटिव्स की, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो सी डी ई है इनके पास सिर्फ 10-10 है, तो कहने का मतलब ये गरीब आदमी है ऐसा मान लेते हैं, और ए और बी हैं ये अमीर है, यानी अमीर और गरीब इनमें काफी फर्क है नॉर्मल कंपनी में, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसके पास उतनी ताकत है। अब हम बात करते हैं कॉपरेटिव्स की, कॉपरेटिव्स के अंदर ये कंपनी है अल्फा बीटा गामा, तो ये सेम है सबके पास शेयर, लेकिन जब वोट डालेंगे तो 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, 1 शेयर नहीं, यानी ए के पास इससे फर्क नहीं पड़ता कितना हिस्सा है कंपनी में, इसके वोट की वैल्यू 1 होगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। तो अगर कोई डिसीजन मेकिंग हुई उसमें ए ने कहा हाँ, बी ने कहा हाँ, सी डी और ई ने ना कर दिया, तो वो डिसीजन हो गया ना, क्योंकि 3 ने कहा ना और 2 ने कहा हाँ। तो अब आप समझ गए होंगे नॉर्मल कंपनी और कॉपरेटिव में क्या फर्क है, ये तो खैर मैंने बहुत लेमन टर्म्स में आपको बताया है, एक आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाए। अब जैसे कॉपरेटिव बैंक है, कॉपरेटिव बैंक के अंदर क्या होता है, कॉपरेटिव बैंक के अंदर ये होता है बहुत सारे लोग हैं, या तो वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं छोटे लेवल पे, थोड़े बड़े लेवल पे करना है तो कॉपरेटिव बैंक में लोन वही ले सकता है जो कॉपरेटिव बैंक का मेंबर है। कॉपरेटिव बैंक में क्या होगा, जब कॉपरेटिव बैंक बने थे तो इसका पर्पज क्या था, जो फार्मर होते थे, जो किसान है, गरीब किसान, वो गांव वगैरह में किससे ब्याज पे रकम उठाता था, जमींदार से उठाता था, और जमींदार उसको खा जाता था, इतना ज्यादा ब्याज लेता था कि फार्मर एकदम तड़प जाता था, फार्मर की जमीन भी चली जाती थी और जमींदार अमीर होते जा रहे थे, इसलिए कॉपरेटिव बैंक स्टार्ट हुए। कॉपरेटिव बैंक्स के अंदर क्या होता था, मान लीजिए 1,000 फार्मर है, आपस में इकट्ठे हो गए, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया, मान लीजिए सबने 1,00,000 रुपए डाल दिया, तो टोटल इसमें कितना धन हो गया बैंक में, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,000 × 1,00,000, तो 1,00,000, ये 1,00,000 है, अब इसके आगे 3 जीरो लगा दो, 1,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए हो गए, यानी ये बन गया कॉपरेटिव बैंक। अब ये कॉपरेटिव बैंक्स में से इन्हीं 1,000 फार्मर में से लोन ले सकता है, कोई दूसरा नहीं ले सकता था, और इससे फायदा ये होता था कि जो फार्मर है वो आपस में मिलके
एक दूसरे की हेल्प करते थे यानी कॉपरेट करते थे। अब अगर किसी फार्मर को लोन चाहिए तो वो इस फंड से लेगा, वो जमींदार के पास नहीं जाएगा, और ये बहुत सस्ते में बहुत ही मार्जिनल नॉमिनल रेट पे कॉपरेटिव जो हैं ये ऑपरेट करते हैं। तो कॉपरेटिव्स में जो लोग साथ आते हैं उनका पर्पज होता है वेलफेयर, समाज का वेलफेयर करना, जैसे अमूल है, जैसे इफ्को है। हालांकि अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि अब आप देख सकते हैं कॉपरेटिव्स में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो कॉपरेटिव्स का मतलब ही यही है कि वेलफेयर। अब ये जो बंदा है जिसके पास काफ़ी ताकत है कंपनी में, लेकिन फिर भी ये एग्री कर रहा है वन वोट पे, क्यों? क्योंकि इसका पर्पज़ है सोशल वेलफेयर। तो कई बार ये नेगेटिव भी हो जाता है क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा पावर नहीं रहती, तो सबकी हाँ मिलवाना सबका, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो रहता है, काफ़ी ब्यूरोक्रेसी होती है, काफ़ी ज़्यादा अफजरवादिता जिसे कहते हैं वो होती है। इस वजह से कॉपरेटिव्स भारत के बहुत सारे फेल भी होते हैं। कॉपरेटिव्स के फायदे क्या क्या हैं? देखिए, फायदा ये है इजी टू फॉर्म। कॉपरेटिव्स में जो लीगल चीज़ें हैं वो बहुत कम है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉपरेटिव कंपनी आसानी से बनाई जा सकती है, कॉपरेटिव सोसाइटी आसानी से बनाई जा सकती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, इनफैक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना कॉपरेटिव नहीं चल सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें क्या होता है, आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, इसका यह मतलब होता है आपकी मान लीजिए दो कंपनी है, एक एक्स और एक वाई। अब अगर एक्स की कंपनी से आपको मान लीजिए 100 करोड़ का फायदा हो गया और वाई कंपनी से आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो वाई कंपनी जो के जो शेयर होल्डर हैं वो एक्स के पास नहीं आ सकते, यानी एक कंपनी नुकसान देगी तो दूसरी से भरपाई नहीं होगी उसकी। ये अपने आप में एक कंपनी है, ये अपने आप में एक कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये फायदा होता है कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। दूसरा, मेंबरशिप ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी आके कॉपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, उसमें कोई धर्म जाति वो कुछ वो सब नहीं है, वो हम देख ही चुके हैं। इकोनॉमिक जो ऑपरेशन होते हैं इसमें मिडल मैन कोई नहीं होता, तो मिडल मैन ये बहुत बड़ी समस्या है मिडल मैन नहीं होने की, क्योंकि मिडल मैन नहीं होता तो उतना अच्छा है। अब जैसे अमूल है, अमूल में अगर आपके आपके पास दो गायें हैं या दो भैंस हैं तो उनका दूध निकालिए और अमूल में दे आइए, आपको कोई बीच में किसी दलाल की किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है। लेकिन मिडल मैन होते हैं तो वहाँ काम खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के जो किसान हैं आज, वो अपनी फैक्ट्री वगैरह में जाके अपनी फसल क्यों नहीं बेचते डायरेक्टली, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि फैक्ट्री पैसा वापस दे देगी इन्हें, इसीलिए वो मिडल मैन का इस्तेमाल करते हैं। मिडल मैन जो है वो ये गारंटी दे देते हैं कि पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बदले में फिर मिडल मैन बहुत पैसा बीच में खा जाते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक इसकी प्रणाली होती है, यानी जैसे मैंने बताया कॉपरेटिव जो मेंबर हैं उसमें जो भी मेंबर होते हैं वो आपस में इलेक्टेड मेंबर होते हैं, अमंग देमसेल्व्स सबके इक्वल राइट होते हैं। और मेन जो मोटिव होता है कॉपरेटिव सोसाइटी का वो होता है समाज सेवा। सो जैसा मैंने बताया कॉपरेटिव सोसाइटी के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शनलिटी क्या होती है, पहला कि आपको सर्विसेज और सप्लाईज यानी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है सोसाइटी के वीकर मेंबर को। अब जो सोसाइटी का वीकर मेंबर है उससे मतलब क्या है, सोसाइटी का वीकर, जैसे मैंने वो कंपनी में आपको एग्जांपल दिया जो 10-10 वाले हैं वो वीक हो गए, तो लेकिन इनका भी काफ़ी सुनी जाएगी कंपनी में, इनको एक्सप्लॉयट इनका शोषण नहीं होगा, मिडल मैन नहीं होंगे और लोगों के अधिकार जो है उनकी रक्षा होगी। और दो सबसे बड़े फायदे कॉपरेटिव्स के अंदर होते हैं, एक सेविंग्स कल्चर काफ़ी होता है, सेविंग मतलब पैसों की बचत। अगर आप किसी कॉपरेटिव का हिस्सा हैं तो आपको एनकरेज किया जाएगा कि आप कुछ सेविंग्स करें और ये जो सेविंग है ये बाद में फिर आप यूज़ कर सकते हैं कॉपरेटिव्स को आगे बढ़ाने में, ये काफ़ी बड़ा फायदा है। सेविंग्स कई बार आसान नहीं होता, गरीब आदमी है सेविंग्स कहाँ से करेगा, उसका तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक कल्चर होता है कॉपरेटिव कल्चर कि उसमें सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कॉपरेटिव को सरकार से बहुत आसानी से लोन मिल जाता है और वो भी काफ़ी कम दामों में, तो ये दो बहुत बड़े और फायदे हैं कॉपरेटिव्स के। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसे में आपको ये भी लिखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो जबरदस्त कॉपरेटिव्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी हमें बतानी चाहिए वो कौन से हैं, तो पहला अमूल का एग्जांपल जरूर दीजिए, गुजरात कॉपरेटिव मिल्क फेडरेशन बोलते हैं इसे, शॉर्ट में बोलते हैं अमूल। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम भारत में श्वेत क्रांति के जनक बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अभी अमूल में देखिए क्या है, अमूल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर्दियों में तो दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दूध को उतने खरीदने वाले नहीं होते, इतना दूध हो जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोले कि और ज़्यादातर उस वक्त भैंस का दूध होता था ज़्यादातर। अब भैंस का दूध जो होता है वो गाय के दूध से काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी थिक होता है, और वाइट पाउडर यानी मिल्क पाउडर बनाना बहुत ही कठिन है भैंस के दूध से। और उस वक्त न्यूजीलैंड सबसे नंबर वन था जो मिल्क पाउडर बनाने में, और न्यूजीलैंड में भैंस होती ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ गाय होती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सामने कि जो विंटर में दूध ज़्यादा हो जाता है हम उसको स्टोर कैसे करें। उसको स्टोर आप एक तरीके से कर सकते हो, आप उस दूध का पाउडर बना लो और समर्स में जब दूध की शॉर्टेज होती है तब आप उसे
पाउडर से दोबारा दूध बना लो। अब पाउडर बनाने की जो प्रणाली थी वो दी मिस्टर एमएम दलाया ने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम है नीरो एटोमाइजर। इसमें प्रॉब्लम ये आती थी, हम दूध से पाउडर कैसे बनाते हैं, पहले आप दूध ले लीजिए, दूध में पहले सारा पानी निकाल दो और फिर उसके बाद उसे गर्म हवा के अंदर उसको ड्राई कर दो। अब प्रॉब्लम ये आती थी गर्म हवा में जो आप स्प्रे करते हैं एयर स्प्रे, क्योंकि जो भैंस का दूध है वो मोटा होता है, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, लगभग 15% ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जो नोजल है उसमें वो फंस जाता था तो वो मिल्क पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन ये चैलेंज ओवरकम कर लिया गया फाइनली, और ये सबसे बड़ी क्रांति थी एक मिल्क पाउडर बनाना, और आज तो अमूल खैर पूरे भारत में फैला ही हुआ है। तो इससे मिल्क पाउडर रेवोल्यूशन जो आई, ये सारा पूरा मैंने टेक्निकल डिटेल्स दी हैं कि किस तरह से हमने मिल्क पाउडर बनाने में हम सफल हुए बफेलो मिल्क से, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। काओ के मिल्क से रिलेटिवली आसान था लेकिन बफेलो मिल्क से बनाना काफ़ी मुश्किल था। दूसरी एक बहुत बड़ी आप सक्सेस स्टोरी बता सकते हो, अविन, अविन AAVIN, ये तमिलनाडु वगैरह में है मोस्टली। तो अविन क्या है, इसको हम बोलते हैं तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, इन शॉर्ट अविन, ये इनका ट्रेडमार्क है, ये दूध आता है वहाँ पे तमिलनाडु में। इसमें क्या है कि तमिलनाडु ये जो सोसाइटी है अविन, ये क्या करती है, गरीब किसानों को, गरीब जो लोग हैं उन्हें मुफ्त में एक गाय दे देती है, और गाय कोई सस्ती तो आती नहीं है, एक अच्छी गाय 30,000 रुपये तक आती है लगभग, तो 30,000 रुपये का गाय सबको फ्री में दे दी। अब मेंटेनेंस इनको करना है, चारा वगैरह इन्हें खिलाना है, और इससे जो दूध निकलेगा वो ये आके अविन में बेच सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो आसानी हो गई वो गई महिलाओं को, उनको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाय मिली गई फ्री में, 30,000 रुपये बच गए, और उस गाय से उनको ये मेंटेन करेंगी। तो पहले जो मुश्किल से 100 रुपये दिहाड़ी पूरे दिन मजदूरी करके कमाती थी जो तमिलनाडु की महिलाएं, आज वो इस गाय से दूध निकाल कर आराम से बेच सकती हैं, और एक उनका प्राइड भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई एक तरह से वो, क्योंकि जो गाय हैं वो ओनर हो गई एक तरह से। तो वो भी तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है अविन, ये भी एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का एग्जांपल है। और कोऑपरेटिव्स में एक आपको एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है कि कोऑपरेटिव्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। इसमें कोऑपरेटिव्स को प्रोग्रेस उनकी करने के लिए किया गया था, क्योंकि बहुत सारे कोऑपरेटिव्स यानी ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स इनफैक्ट ऐसे थे जो भारत में फेल हो रहे थे, तो ये जो एक्ट है ये काफ़ी हेल्प करती है कोऑपरेटिव्स की। इनफैक्ट इसमें राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव को फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया हुआ है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये आप ये अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। और बहुत सारे कोऑपरेटिव जो भारत में फेल हुए उसका क्या कारण है, तो फेल हुए अब आप देख ही सकते हैं, पहली बात इसका कोई भी मेंबर बन सकता है लेकिन हर मेंबर जो है वो उतना एक्टिव नहीं होता, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मेंबर का ना होना ये काफ़ी बड़ा फेलियर था। मेंबरशिप ले तो ली लेकिन फिर काम नहीं किया कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, लोन इकट्ठे हो जाना, कोऑपरेटिव को सस्ता लोन मिल जाता है, अगर वो लॉस में जा रहा है वो चुका नहीं पाएगा, लोन बढ़ता जाएगा, तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो कोऑपरेटिव्स को क्रेडिट देते हैं लोन देते हैं उनके अंदर एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे थे, क्योंकि वो कोऑपरेटिव्स को लोन दे रहे थे और वो वापस नहीं आ रहा था, यानी कि कोऑपरेटिव जो है वो डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे कोऑपरेटिव्स गवर्नमेंट हेल्प पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हमेशा ही होता है ये, प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं है क्योंकि एक लाला कंपनी टाइप होती है, उसमें आपस में लोग मिलकर डाल लेते हैं तो उसमें उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, रेड टेप बहुत ज़्यादा है यानी कि लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, अफसरवादिता बहुत ज़्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में कोऑपरेटिव्स के अंदर, बहुत करप्शन है क्योंकि सोशल वेलफेयर के नाम पे बहुत कोऑपरेटिव्स खुल गए हैं और वो फिर उनमें उसका फ़ायदा उठाते हैं कानूनी रूल्स का पैसा बनाने के लिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कई कोऑपरेटिव्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे मेंबर हैं, लाखों करोड़ों मेंबर्स हैं, तो उनमें फिर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना लाजमी है। एक और सक्सेस स्टोरी आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, इफ्को, इफ्को बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 साल पूरे हो गए इफ्को को। इफ्को क्या है, देखिए 60 के दशक में क्या था, और ये सब याद रखिए जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं इनमें बहुत बड़ा रोल था जवाहरलाल नेहरू जी का, उनका विजन था, उनकी जो क्या कहते हैं लीडरशिप थी जिसकी वजह से संभव हो पाया। इफ्को जो है जो 60 का दशक था उसमें हमारे पास क्या था, फार्मर्स के पास अपना कोई खाद बनाने का वो नहीं था, और इसीलिए 70% जो खाद थी उस वक्त जो फर्टिलाइजर था वो कोऑपरेटिव सेक्टर से आता था 60s में, कोई मतलब ये जो सेक्टर था इसके पास कोई एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था फर्टिलाइजर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, और कोई अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी नहीं थी, याद रखिए कोऑपरेटिव सेक्टर जो भारत में था उस वक्त। फिर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी फर्टिलाइजर, किसानों ने सबने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और खुद ही फर्टिलाइजर बनानी स्टार्ट कर दी। आज की तारीख में इफ्को जो है ये पूरी दुनिया का सबसे बिगेस्ट कोऑपरेटिव है, अगर आप GDP पर कैपिटा की बात करो तो, टर्नओवर ऑन GDP पर कैपिटा, और इसके इससे भारत के 40 मिलियन फार्मर
बेनिफिट होते हैं और 36,000 इसके कॉपरेटिव सोसाइटी हैं जो इफको के मेंबर हैं। तो इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड। ये भी एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। दूसरी बात, इन्होंने जब अपनी खाद अपनी फर्टिलाइजर खुद की बनानी स्टार्ट करी तो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलते गए और फॉर्च्यून इंडिया ने इसको कहा है कि भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनी में 37th आज है इफको। अब ये इफको खादवाद से बहुत ऊपर उठ चुकी है, अब ये जनरल इंश्योरेंस में भी है, एग्रोकेमिकल्स में भी है, रूरल टेलीफोनी, फार्म फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, सीड, रूरल रिटेल और ई कॉमर्स में भी है इफको। और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे हम मनाते हैं 1 जुलाई को। तो ये आप देख सकते हैं ये फार्मर सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है इफको। तो आज इफको बहुत बड़ी चीज़ है और ये 1 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं सक्सेस में, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ भी कोऑपरेटिव है। लिज्जत पापड़ स्टार्ट हुआ था सिर्फ 7 महिलाओं ने मिलकर स्टार्ट करा था, गुजरात की महिलाएं थी, 80 रुपए से स्टार्ट करा था सिर्फ, पापड़ बनाने शुरू करे और आज की तारीख में लिज्जत में 40,000 महिलाएं लगभग काम कर रही हैं, 62 ब्रांचेज हैं 17 राज्यों में और साल का टर्नओवर है 650 करोड़ रुपए। इनकी जो साल की आमदनी है वो है 650 करोड़ रुपए। तो ये लिज्जत पापड़ भी वही है, कोई भी मेंबर बन सकता है। अगर आप घर में अपनी इनकम सप्लीमेंट करना चाहते हैं, पापड़ बनाइए और लिज्जत में जाके जमा कर दीजिए, फिर लिज्जत उसे पैक करके भेज देगा। तो इसको लिज्जत बोलते हैं। इसका अपना एक नाम भी है, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, या शॉर्ट में बोलते हैं लिज्जत पापड़। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉपरेटिव का पूरा सिस्टम इंडिया में। खैर, अब कुछ और न्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं। लैंड, देखिए जमीन से रिलेटेड जो मामले होते हैं भारत में बहुत ज़्यादा हैं, यानी ज़्यादातर जो भारत में केसेस होते हैं कोर्ट में वो जमीन से रिलेटेड होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो जमीन को लेकर होती है। तो जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसने इसके बारे में एक जागरूकता फैलाने के लिए, जिसे बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड्स एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट 2005, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं जिनका नाम है RK माथुर, उन्होंने जानकारी दी इसके बारे में, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने ये कहा भारत में जो आधी RTI क्वेरी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा जो फाइल होती हैं वो जमीन के मामलों से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि संसाधन जो है वो स्टेट के अंडर आता है और इस वजह से जो स्टेट हैं उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी अब जो आपके जमीनों के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटल बनाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए। उससे जो कोर्ट केसेस के चक्कर हैं वो भी कम लगेंगे, कोर्ट केसेस हैं वो काफ़ी स्पीड अप भी हो जाएंगे। एक इन्होंने एक विशेष चीज़ बनाई है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड लैंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ILIMS, इंटीग्रेटेड लैंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है इसमें, एक सिंगल डेटाबेस बनाया जाएगा, जमीन से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, जिसकी भी वो जमीन है, उन सबका एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा और उसको आधार कार्ड से लिंक करा जाएगा जिससे बेनामी ट्रांजेक्शन ना हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ और जानकारी दी, 66% भारत में जो कोर्ट केसेज हैं वो जमीन से रिलेटेड होते हैं और इसमें 58,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है टोटल, सिविल और क्रिमिनल दोनों में मिला के। अगर वही उन्होंने ये कहा, अगर लैंड रिकॉर्ड्स हमारे डिजिटल हो जाएं, सारे जमीनों के सारे जो कागज़ हैं अगर उनको डिजिटल बना दिया जाए तो इससे हमारा GDP 1.3% तक बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हमारा जो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का जो मंत्रालय है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं राजीव प्रताप रूड़ी। उन्होंने स्किल इंडिया मिशन की दूसरी वर्षगांठ हुई उस पर बातचीत करी और ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, जिस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, और ये पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे था। तो 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था ये स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया में क्या है, अभी देखिए इन्होंने कुछ इसमें कदम उठाए हैं। जैसे जो हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर है, जिसे बोलते हैं BFSI सेक्टर, उसके अंदर भी ये लेके आए हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। कहने का मतलब, अगर किसी में कौशल की कमी है तो वो कंपनी उन्हें ट्रेन करेंगी और 32,000 कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है कि हम ट्रेन करेंगे। इसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि हाँ, ये बंदा हमारे यहां से ट्रेनिंग ले चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये चलाई जा रही है, फ्लैगशिप स्कीम है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत पूरे भारत में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनमें लोगों का कौशल विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अब GST नया आ गया है, GST से रिलेटेड भी स्किल्ड लेबर चाहिए, हमें स्किल्ड लोग चाहिए, तो 100 GST ट्रेनिंग सेंटर लगाए जाएंगे पूरे भारत में। इसके अलावा कौशल विकास केंद्र की मैं बात कर रहा हूं तो टोटल कौशल विकास केंद्र अब हो जाएंगे 200, क्योंकि 51 और खोले जा रहे हैं। और इनका विजन यह है कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में कम से कम एक कौशल विकास केंद्र होना चाहिए, यह इनका कमिटमेंट है। इसके अलावा योगा सिखाने के लिए 100 योगा ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे।
इसके अलावा एक वेबसाइट बनेगी जिसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला आपको याद होगा पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती थी हमारे यहाँ, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसी तरह से इसका नाम भी तक्षशिला रखा गया है। ये एक बेसिकली वेबसाइट है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और कितनी स्किल चाहिए यानी क्वालिटी बेंचमार्क क्या है उसका, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी, यानी ट्रेनर भी और जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है वो भी। एक बात और याद रखिए, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का मंत्रालय है, जो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें 1 करोड़ घर बनाने हैं रूरल एरिया में 2019 तक, और ये घर बनाने हैं तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अच्छे ऐसे मजदूर चाहिए जो घर बना सकें, जो सारे काम कर सकें। और दुनिया का सबसे बड़ा वोकेशनल स्किल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 14 से 19 अक्टूबर 2017। तो ये था आज का पीआईबी। तो सैटरडे और संडे दोनों दिन दो दो पीआईबी आएंगे, तो ये याद रखिए, तो हम बिल्कुल कैचअप कर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।